किसी से प्यार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्यार तो किसी से भी, कभी भी और किसी भी उम्र में हो सकता है। प्यार हुआ, बात आगे बढ़ी, सब कुछ ठीक रहा तो बात मैरिज तक पहुंचती है और फिर लाइफ में इंसान आगे बढ़ने लगता है। दोनों की लाइफ खुशी खुशी चलने लगती है, पर हर बार ऐसा नहीं हो पाता। कभी कभी या फिर आजकल के टाइम में ज़्यादातर देखने को मिलता है, दो लोग मिले, पहले पहले तो ऐसा लगेगा जैसे बस हो गई तलाश ख़त्म और इस प्यार को एक नाम देने के लिए शादी कर लेते हैं। फिर कुछ महीनों या सालों बाद ही समझ में आने लगता है कि वो तलाश गलत निकली, पर तब तक तो शादी हो जाती है या फिर रिलेशनशिप में बहुत आगे बढ़ जाता है इंसान। आज के वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक पर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के टॉपिक है वीडियो का डिफरेंस बिटवीन ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक। बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा, मेरा ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि आप लोग रिलेशनशिप में पड़ तो जाते हैं फिर उसमें से निकलना आप लोगों के लिए बहुत पैथेटिक और पेनफुल होता जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, फिर बात करेंगे सोलमेट, फिर बात करेंगे लास्ट में कार्मिक कनेक्शन के बारे में, कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इंटेंस सोल कनेक्शन होता है। आप ही का सोल का हाफ पार्ट किसी और के बॉडी में, जिसे मिरर सोल भी कहते हैं। दोनों पर्सन की पेन या ट्रॉमास लगभग सेम होगी। किसी भी पर्सन का एक ही ट्विन फ्लेम होता है। कोई भी एक पर्सन, मैं, आप सबका एक ट्विन फ्लेम होगा और वो आप इस लाइफ टाइम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आएंगे, ये भी डिपेंड करता है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पर, क्योंकि सबका ट्विन फ्लेम नहीं होता। ये कनेक्शन रोमांस से शुरू होता है या अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन से शुरू होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का पर्पस होता है आपको खुद का ग्रोथ करना, टू रिलीज वुंड्स, ब्लॉकेजेस एंड लीड यू टू ट्रू सेल्फ। धीरे धीरे आप अपना ही हायर एंड बेटर वर्जन बनते जाते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बदलते हैं, आपके ट्विन भी उनके बेटर फॉर्म में आते हैं। ट्विन फ्लेम टुगेदरनेस में आकर सोसाइटी के लिए काम करते हैं। देयर मिशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। ट्विन फ्लेम से मिलकर सोल कनेक्टिविटी फील होगा। आप ट्विन से मिलते हैं एंड योर लाइफ जस्ट कंप्लीटली चेंज्ड। ट्विन फ्लेम से मिलकर इस दुनिया को देखने का नज़रिया आपका चेंज होने लगेगा। आप डिवाइन से जुड़ने लग जाएंगे, कॉन्शियसनेस शिफ्ट होना शुरू होने लगेगा। यू वुड लाइक टू बी अ बेटर सोलफुल बीइंग, जहाँ एक पार्टनर चेजर और दूसरा रनर बनता है। ये रिलेशनशिप में काफ़ी, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में काफ़ी रोलर कोस्टर फेजेस आते हैं। आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम तब आता है जब आप किसी की तलाश में नहीं होते, मतलब अचानक से आपकी ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम आते हैं। ट्विन फ्लेम आपके रोमांटिक पार्टनर से लेकर फ्रेंड, टीचर, मेंटर भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि स्टूडेंट भी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मैरिज तभी पॉसिबल होती है जब दोनों हील्ड हो जाएं और बीच में कुछ हर्डल ना रहे। ट्विन फ्लेम के साथ बात करने में कोई वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बिना बोले ही काफ़ी कुछ कहना हो जाता है। ट्विन फ्लेम्स न सिर्फ आँखों से बात कर सकते हैं, बट दे कैन टॉक इन ड्रीम्स ऑल्सो। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इंटेंस होता है, उतना चैलेंजिंग नहीं होता जितना कार्मिक होता है। All your insecurities will be amplified by meeting your twin flame.
ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप विल हाइटेंड एंड एक्टिवेट ऑल योर फियर्स. आप वो सब देख लेते हैं जो आप कभी भी नहीं देखना चाहते थे. आपकी सोल की पूरी सच्चाई निकलकर सामने रख देते हैं आपके ट्विन फ्लेम. ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक दूसरे की लाइफ को पॉजिटिव वे में चेंज करके रख देती है. इट विल हेल्प सेट यू ऑन द राइट पाथ. इन शॉर्ट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज फिल्ड विथ सिंक्रोनिसिटीज एंड साइंस, डिवाइन गाइडेंस एंड एंजेलिक प्रोटेक्शन. ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अगर 100% में डिफाइन किया जाए तो 75% ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे होते हैं जो रियूनियन में आ पाते हैं. रियूनियन मतलब हार्मोनियस रियूनियन, क्योंकि हर एक ट्विन फ्लेम की शादी नहीं हो सकती, नहीं होती है, राइट? इस बात का ध्यान रखिएगा. आप ट्विन फ्लेम हैं, आपको पता चला ट्विन फ्लेम है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों ट्विन फ्लेम्स की शादी हो ही जाए. शादी का परसेंटेज, शादी होने का परसेंटेज बहुत कम होता है ट्विन फ्लेम्स में. होता नहीं है, नहीं कहा मैंने, लेकिन बहुत कम होता है. अब सोलमेट कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं. क्या है वही सोलमेट? वो पर्सन होते हैं जिनके साथ आपका स्पेशल बॉन्ड होता है. होम यू शेयर स्पेशल एफिनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग. सोलमेट एक से लेकर 9 तक हो सकते हैं. हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में 1 से लेकर 3, 4, 9 तक सोलमेट्स हो सकते हैं, जिसमें फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इन लॉज, कोलीग्स या फिर पेट भी हो सकते हैं. सोलमेट कनेक्शन भी इंटेंस होता है, पर उसकी उतनी इंटेंसिटी नहीं होती जितनी ट्विन फ्लेम्स की. आपकी लाइफ में सोलमेट हेल्प करने आते हैं, वो आप में कोई ब्लॉकेजेस नहीं ढूंढेंगे, कोई कमी नहीं निकालेंगे, वो आपको सहारा देंगे, लाइफ में हेल्प करेंगे आपके अच्छे या बुरे डिसीजन में साथ रहकर. वहीं सोलमेट रिलेशनशिप में आपको सेल्फिशनेस से गिविंग पर्सन बनाना सिखाता है. सोलमेट जब लाइफ में एंटर करते हैं, आप दोनों ही सेम पेज पर होते हो. इट्स अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट. आपके पास्ट ब्रेक्स और एंड ट्रॉमास उतने नहीं होते. अगर हैं, थोड़े से अगर हैं भी, तो तब तक हील्ड हो चुके होते हैं जब तक आपके लाइफ में सोलमेट्स एंटर होते हैं. सोलमेट्स के साथ मैरिज पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है. 100 में से 95% सोलमेट के साथ कंफर्टेबिलिटी होती है, मैरिज पॉसिबल होता है. विथ फुल गारंटीड ऑफ ऑलमोस्ट पीसफुल लाइफ. जैसा ट्विन फ्लेम के साथ सभी ट्विन फ्लेम्स मैरिड नहीं हो सकते, ठीक इसी तरह से सोलमेट्स के साथ 95% सोलमेट्स फ्रेंडली सोलमेट्स, क्योंकि जैसा मैंने कहा फैमिली मेंबर्स भी सोलमेट्स होते हैं. माँ पापा, भाई बहन, इन लॉज, फ्रेंड्स, कोलीग्स, तो अगर फ्रेंड अगर सोलमेट हो तो मैरिज पॉसिबिलिटी 95% रहती है. सोलमेट्स एक दूसरे से फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से भी बातें कर सकते हैं. सोलमेट रिलेशनशिप फील्स एक्सेलेंट एंड बैलेंस्ड. सोलमेट रिलेशनशिप में भी थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, जैसे ट्विन फ्लेम्स में भी आते हैं तो सोलमेट में भी आते हैं, जो कि मैनेजेबल होता है. सोलमेट कनेक्शन इज ईजी गोइंग कनेक्शन. इसको ईजी गोइंग कनेक्शन कहेंगे. 100 में से 95% सोलमेट ईजी गोइंग कनेक्शन होता है. अब कार्मिक कनेक्शन को डिस्कस करेंगे, या कार्मिक रिलेशनशिप को जानते हैं क्या होता है. कार्मिक रिलेशनशिप में भी सेम रोमांस और अट्रैक्शन फील होता है जैसा ट्विन फ्लेम में. शुरू शुरू में बिल्कुल ट्विन फ्लेम और सोलमेट जैसा, पर कुछ महीने या सालों बाद
जी हाँ, जितना कार्मिक अकाउंट रहेगा उतने साल वो आपके साथ रहने के लिए आपके एनर्जी से जुड़ते हैं और अट्रैक्शन क्रिएट होता है। और जैसे ही टाइम आ जाता है कार्मा बैलेंस होने का, अपना असली चेहरा आपको दिखाने लग जाएंगे। इट्स अ कनेक्शन बोथ अनस्टेबल एंड अनबैलेंस्ड, दे आर नॉट स्मूथ सेलिंग। पिछले जन्मों के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो भी बाकी रहते हैं, जो आपने पिछले जन्म में एक्युमुलेट किए, क्रिएट किया, उस सोल के साथ वही सोल आपके आपको इस जन्म में आती है वो कार्मा बैलेंस करने। तो कार्मिक अकाउंट, कार्मिक पर्सन आते हैं और उन इश्यूज को क्लियर करते हैं, वो कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करते हैं, या कार्मा पेबैक जिसे कहते हैं, ये होता है। कार्मिक रिलेशनशिप काफ़ी कंट्रोलिंग होगी, वहीं कार्मिक रिलेशनशिप आर ऑल अबाउट फिक्सिंग द हर्ट एंड ट्रॉमास, क्योंकि कोई भी इंसान कार्मिक बनकर तभी आता है जब हमारे उसके साथ कुछ कार्मिक अकाउंट सेटल होना बाकी रहे। ठीक है, विद कार्मिक पार्टनर्स यू फील मैग्नेटिक, दैट इट फील्स लाइक यू कांट लीव विदाउट देम, वंस यू मीट देम यू कांट डिटैच विद देयर नेगेटिव एनर्जी, दिस मेक्स हार्डर टू फोकस ऑन योर वर्क और अदर कमिटमेंट्स। इसीलिए आपने देखा होगा कार्मिक रिलेशनशिप में कई कई साल लग जाते हैं निकलने में, या निकल ही नहीं पाता वो। दोनों इंसान जुड़े हैं, दोनों की लाइफ हेल बन गई और दोनों ही निकल नहीं पा रहे हैं, या दोनों इंसान जुड़ा, दोनों में से एक की लाइफ हेल हो रही है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा या पा रही। कार्मिक पार्टनर भी आपके साथ वैसा ही अटैचमेंट रखते हैं, पर एक टाइम के बाद दोनों पार्टनर्स में इतनी बिटरनेस आ जाती है, ये किसी रिलेशनशिप में भी, किसी भी रिलेशनशिप में आप अगर मैरिड हो अनमैरिड हो, इतनी बिटरनेस आ जाएगी कि उसके जैसे मान लीजिए कि 4-5 साल से आप एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, या आप 10-12 साल से मैरिड लाइफ में हैं, अचानक से बिटरनेस आ गया, या शुरू शुरू में आपको आप पहचान नहीं पाए उस कार्मिक पर्सन को, क्योंकि आप सिर्फ एक तरफा प्यार ही देख रहे थे, उस यू आर नॉट एबल टू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन। तो इस वो जब जैसे ही बिटरनेस आ गया, फिर दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लग जाते हैं, कभी कभी जानी दुश्मन भी बन जाते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए रिलेशनशिप को तब तक लेकर चलते हैं जब तक आप एनर्जेटिक कॉर्ड कट नहीं कर लेते। कार्मिक रिलेशनशिप इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेंटेन। कार्मिक पार्टनर के साथ एक टाइम पर बात करना काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग होता जाता है, ज्यादातर टाइम मिसकम्युनिकेशन के चलते रिश्ते खराब होने लगते हैं। मतलब आपने कुछ कहा, अच्छा कहा, कोई बुरा रॉन्ग इंटेंशन नहीं था, लेकिन आपके कार्मिक पर्सन को वो बुरा ही लगेगा। ईच पर्सन फाइंड्स इट हार्ड टू इंटरप्रेट ईच अदर सिग्नल्स, क्योंकि आप जो भी सिग्नल दोगे उसे वो समझ ही नहीं पाता। उसका रिजल्ट क्या होता है, दोनों के बीच आर्गुमेंट्स, रिफ्ट, छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती चली जाती हैं। कार्मिक पर्सन के साथ जीना बद से बदतर होता जाता है। कार्मिक पार्टनर आपको कभी इवॉल्व होने ही नहीं देगा, कभी नहीं, दे ऑफन फील अनसेटल्ड। वहीं कार्मिक पार्टनर के साथ लाइफ चैलेंजिंग बनती जाती है, जो कि शुरू शुरू में पता नहीं लग पाता। दोनों ने शादी की या दोनों रिलेशनशिप में हैं, दोनों को खबर ही नहीं, पहचान ही नहीं पा रहे कि वो एक दूसरे के कार्मिक हैं, या कोई एक कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए उससे जुड़ रहा है, क्योंकि शुरू शुरू में ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप पहचानना बहुत टेढ़ी कीड़ होती है। तो
तो ऐसे में दोनों शादी करते हैं। उसके बाद समझ में आता है कि अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। दोनों को कार्मिक रिलेशनशिप में दोनों को एक दूसरे की बेस्ट पार्ट नहीं दिखती, बल्कि ड्रॉबैक्स नजर आते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी इंसान में सिर्फ कमियां ही हो, लेकिन कार्मिक पार्टनर आपके अंदर खूबियों को कभी देख ही नहीं पाता, आपके अंदर सिर्फ खामियां कमियां ही उसे नजर आएंगी। कार्मिक पार्टनर या रिलेशनशिप वन साइडेड भी हो सकता है, जहां कोई एक ही बस प्यार करता रहे, सैक्रिफाइस करता रहे, दे एंड अप ड्रेनिंग ईच अदर थ्रू आउट द रिलेशनशिप। कार्मिक पार्टनर जब एक डैमेज, जब तक डैमेज एक दूसरे का या फिर दोनों में से कोई एक, जब दोनों में से कोई एक जब तक किसी का डैमेज ना कर दे, जाने का नाम नहीं लेते। जबकि दोनों को बहुत बार आउटसाइडर से भी अलार्म मिलता रहता है इस रिलेशनशिप में जाना ठीक नहीं होगा, पर फिर भी वो एक दूसरे के साथ रहकर कार्मिक या टॉक्सिक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करते हैं। सो ऑफन इट एडवाइज्ड टू वॉक अवे, अदरवाइज इट कैन हार्म योर मेंटल हेल्थ इरेपरेबली, राइट? कार्मिक पर्सन हमारे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने आते हैं, कार्मिक पार्टनर्स हमारे लाइफ में डेंट देने आते हैं, दे ओनली हेल्ड यू बैक। इट्स रियली हार्ड टू लेट गो ऑफ कार्मिक पर्सन्स। दोनों कुछ अनसॉल्व्ड कार्मा के लिए साथ आते हैं, साथ जुड़ते हैं, साथ रहते हैं। अगर विल पावर वीक है तो आपका इस रिलेशनशिप से निकल पाना चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर। बट देयर आर वेरी थिन लाइंस गैप, एकदम बारीक सी गैप होती है। अगर आपको समझ में आता है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं क्या वो आपके ट्विन फ्लेम है, कहीं कार्मिक तो नहीं, तो ठीक। नहीं अगर समझ में आ रहा है, नहीं अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं, एक गाइडेंस लेना जरूरी होता है। अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेना है, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या आप कार्मिक पर्सन से तो डील नहीं कर रहे, क्योंकि ट्विन फ्लेम और कार्मिक पर्सन में थिन लाइन गैप होता है, थिन लाइन। और आप लोग समझते हैं कि ये ट्विन फ्लेम है, लेकिन होता नहीं है, होता वो कार्मिक होगा। तो अगर आप भी सिचुएशन में हैं कि आप डिलेमा में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सेशन और रीडिंग पर्सनल अगर हो तो वो फ्री नहीं होगा। ये सब वीडियोस फ्री होते हैं, लेकिन पर्सनल सेशन में टाइम लगता है, इसीलिए ये फ्री नहीं हो सकता। तो ये था मेरा आज का वीडियो कि तीन जो रिश्ते होते हैं हमारी जिंदगी में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट एंड कार्मिक, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं तीनों को अलग अलग। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ कि आप जिस भी रिश्ते से डील कर रहे हैं, ईश्वर ना करे वो कार्मिक हो, ईश्वर ना करे वो कार्मिक हो। इसी उम्मीद और इसी ईश्वर से प्रार्थना के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय।